दोस्तों आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया होटल नियर बाई 80 घाट बनारस में। तो बनारस अगर आप जा रहे हो आपके लिए होटल रिवेरा करके है, ये बहुत ही अच्छा होटल है। मैंने इसका मतलब देखा था, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि नदी के किनारे गंगा जी के किनारे घाट के नाम अच्छा होटल मिल जाएगा, बट अच्छा है। यहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा भी है, अगर आपके पास बाइक है तभी आप इसको अंदर ला सकते हो, अदरवाइज कार यहाँ पे नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं होटल रिवेरा पैलेस है, ये आपका तुलसी घाट और 80 घाट के बिटवीन में है, और यहाँ से 80 घाट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मात्र 300 मीटर पे आप 80 घाट जा सकते हो। तुलसी घाट और क्या बोलते हैं, एक बार पास में घाट है नागेश्वर घाट करके, एकदम पास में, और एकदम बाहर का व्यू मैं जो आपको दिखा रहा हूँ पूरा बाहर का व्यू है। और होटल एकदम बेसमेंट में बना हुआ, बट लिफ्ट में आपको मतलब इस एरिया में लिफ्ट भी मिल जाएगी होटल में। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो काफी अच्छा है, और ये मेन गेट और इसका मेन एंट्री गेट आपको दिखाता हूँ, और जहाँ से मैं आपको अभी पूरा दिखाता हूँ व्यू, ये देखिए यहाँ पे गेट रहता है ये। और सबसे मेन चीज़ ये है, अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे फॉरनर्स बहुत सारे फॉरनर्स स्टे कर रहे हैं, मैंने इनका फीडबैक भी लिया, कम से कम बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉरनर्स थे, और मेरे को 4 से 5 कपल्स तो मुझे ही मिले हैं जो स्पेन और यहाँ से आए हुए थे। तो देखिए एंट्री है मेन, हम जैसे एंट्री करते ये आता है मेन रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे आपको चेक इन जो है ना वो इनका 1 बजे का है, और चेकआउट जो है वो 11 बजे का है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर रूम्स अवेलेबल होंगे तभी ये आपको रूम देंगे, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा। जो कि मैं अभी 8 बजे आ गया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, 8 बजे आ गया, मेरे को चेक इन 11 बजे मिलने वाला है, क्योंकि इनके पास कोई रूम खाली नहीं है। तो ये मेन रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ से आप ये सामने आप दिख रहे हो लिफ्ट है, जिनके पास में 3 माले हैं तो 3 माले तक लिफ्ट है। और जैसे आप अंदर आते हो तो यहाँ पर भगवान बौद्ध का एक अतिथि देवो भव के लिए लगा हुआ है, जिसमें भगवान बौद्ध की एक मूर्ति है। और जस्ट यहाँ से राइट साइड में आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा नीचे की साइड में, जिसमें आपको बफे वगैरह सब और डिनर भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको मैं जैसे दिखा रहा हूँ, देखिए फॉरनर ये भी बैठे हुए हैं, ये लोग स्पेन के हैं, मैंने इनसे बात किया अभी, तो ये लोग भी हैं, और ये जस्ट स्टेयर से, और अभी रेस्टोरेंट है सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको जूस मिल जाएगा ओपनिंग में स्टार्टिंग में, और आपको कॉर्नफ्लेक्स चॉकलेट नॉर्मल टाइप के वो भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा फ्रूट्स में आपको बनाना एंड एप्पल और हनी एंड ऑल ये भी मिल जाएगा। देन ब्रेड है, ब्रेड आपको रोस्ट भी कर सकते हो। देन अभी इसमें पोहा था, इडली था, और बॉयल एग नॉन वेज भी मिल जाएगा आपको, वो सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और ये पूरा रेस्टोरेंट का इंटीरियर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिटिंग का कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है, और इनके पास में देखिए डेकोरेशन कितना अच्छा इन्होंने किया हुआ है। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मस्ट मतलब मैं रिकमेंड करूँगा इस होटल में जरूर स्टे कीजिए, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। और ये आपको पूरा रिसेप्शन एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा हॉल है, जैसे आप आते हो यहाँ पर हॉल है, और ये पूरा यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो। लोकल जो बनारसी साड़ी होती है, बनारसी कंबल या शॉल जो होता है ना, जो हम बोलते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये मेन रिसेप्शन, घूमने गए हम जा सकते हैं। से आओगे, लॉबी छोटा सा ही है, मेरा रूम नंबर जो है वो है 302। तो आपको दिखाता हूँ रूम्स कैसा है यहाँ का रिवेरा। सो लुक एट द रूम्स, रूम मुझे काफ़ी क्लीन और बड़ा लगा है। अगर मैं आपको प्राइस रेंज की बात करूँ, इस रेंज में यहाँ पे मैंने बहुत सारे होटल देखे हैं बनारस का, ही मेरा आई थिंक 5वां 6वां होटल है जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। तो नियर बाई रिवर, नियर बाई 80 घाट आपको ऐसा रूम मिल जाए, और क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, और रूम साइज़ भी आप देख रहे हो जैसे काफ़ी बड़ा साइज़ है। ये देखिए आप, उसमें एमिनिटीज़ में आपको एक सोफ़ा भी दे रहे हैं, और बेड साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, और इनका इंटीरियर जो है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, जितना मैंने होटलों में स्टे किया आई थिंक ये मेरा 450-450 होटल है जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ, उस हिसाब से बनारस के हिसाब से ये होटल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो मेरा अभी परमानेंट होटल होने वाला है। और उसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो इनका जो टीवी का डायरेक्शन है वो देखिए आप, इस साइड में है, छोटा टीवी लगा हुआ है, और इनके पास में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इनका विंडो है जहाँ से आप जो है बाहर का नज़ारा ले सकते हो। और अभी मुझे बताया इन्होंने रिवर व्यू है, बट इनका रिवर व्यू क्या है, थोड़ा दूर पड़ रहा है,
तो ये मेन रोड से आप सीधा जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में यहाँ से जाते गंगा जी किनारे, तो छत से इनका रिवर का व्यू आता है। और ओवरऑल रूम्स जस्ट आप देख के रूम आपको ही पसंद आएगा। और ये इनका लॉक कर दूँ ज़रा वार्ड है जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा हैंगर्स दिए हुए हैं एंड दिस लॉकर आल्सो यू विल गेट हियर। गोदरेज का लॉकर वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टीवी यूनिट है, देन मैट इज देयर। एंड यहाँ पे जो कर्टन से ये इनका एक बालकनी टाइप में एक गैलरी है, तो उसका कुछ वो है नहीं है, पेंटिंग यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने। और अदर थिंग्स अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री में टी कैटल वर्किंग है, एक पानी की बोतल ले लोग देते हैं जो मैंने अभी पूछा है। उसके अलावा अगर आप लोगे तो चार्जेबल रहेगा, दिन का एक ही बोतल ले लोग दे रहे हैं। और ये चिप्स वगैरह जो इन्होंने रखे हुए हैं सब चार्जेबल हैं, दो कप आपको मिल जाएंगे ग्लास। और सबसे मेन यहाँ पे बनारस में मैं जो रुका हूँ मुझे नहीं मिला अभी तक, दैट इज़ मिनी फ्रिज। तो इसमें इनका क्वांटिटी अवेलेबल है, ये सब चीज़ें जो हैं चार्जेबल है, जो इनका रेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और हीटर भी आपको, अगर आप सर्दियों में आ रहे हो तो हीटर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको फ्रिज दिखाता हूँ, फ्रिज के अंदर देखिए बर्फ़ इतना गंदा बर्फ़ कि बर्फ़ पूरा जम गया है एकदम। ऐसा लिफ्ट करेंगे आप इसको, ओपन करेंगे तो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ आपको दिखेगा। मेरे को तोड़ने का मन कर रहा है इसको, पर टूटेगा नहीं। और इसमें पानी की बोतल रखी हुई है, देन 6 कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एक स्नैक चॉकलेट रखा हुआ है। तो ये मिनी फ्रिज इनका है। सो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सौरभ गुप्ता। और अब मैं आपको मेरा मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट जो है, मुझे सबसे पहले मैं देखता हूँ बुकिंग करने से पहले, दैट इज़ बाथरूम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जैसे अंदर आएंगे सामने आपको मिरर मिल जाएगा और एक हेयर ड्रायर एंड मिरर आल्सो ये लोग दे रहे हैं। देन आपको गुलाब से स्वागत किया जाएगा बाथरूम में। देन वेस्टर्न टॉयलेट इज़ देयर। एंड यहाँ पे भी मैं अगर आपको बताऊँ तो इसका भी स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए काफ़ी स्पेसेस है और मिरर दिया हुआ है बीच में, तो बाथरूम को सेपरेट कर दिया जहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो स्लाइड करके, जस्ट ओपन करके। एंड देन दिस इज द बाथ एरिया वेर यू विल गेट शॉवर एंड आपको ये भी मिल जाएगा। तो एक टॉवल इन्होंने दी हुई है, देन वन बकेट मग इज देयर। तो बाथरूम का साइज भी काफ़ी बड़ा है। और इस रेंज में मैं आपको इसका रेंज बता दूं, इसका रेंज अराउंड आपको 2500 रुपये में भी ब्रेकफास्ट मिलेगा। रेस्टोरेंट मैंने नीचे आपको दिखाया हुआ है, रेस्टोरेंट में जो ब्रेकफास्ट सुबह मैंने आपको दिखाया था वही यहाँ पे अवेलेबल रहेगा इंक्लूडेड, आपको 2500 से 2800 रुपये में मिल जाएगा। और ये पूरा रूम है। और आपको टेरेस का व्यू मैं आपको दिखाऊँगा अभी जैसा होने वाला है। तो अभी ये पूरा रूम का जो मैं आपको बताया है कॉर्नर टू कॉर्नर ये आपको मैंने दिखा दिया है। तो आइए यहाँ पे, आप रिवेरा होटल है, रिवेरा पैलेस नियर 80 घाट और लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थान है वहाँ से भी 200 मीटर ही है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। ये मेरे लिए आपको रिकमेंड करने का एक होटल है बनारस में, जो आप यहाँ पे आके बुक कर सकते हो। यहाँ पे आपको फॉरनर भी बहुत सारे फॉरनर मिल जाएंगे, यहाँ पे चेकआउट करते हुए कम से कम 8 से 10 फॉरनर यहाँ पे चेकआउट किए, क्योंकि लोकेशन वाइज ये बहुत ही अच्छा है और सारे फॉरनर्स यहाँ पे स्टे करते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं रुकते हैं। तो आप भी यहाँ पे उनका साथ में, आपको अगर एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे फॉरनर भी रुके हैं, स्पेन के लोग यहाँ पे रुके हुए थे भी जस्ट मैंने बात किया नीचे, और ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, 3 कपल यहाँ पे आए हुए थे, और एक पूरा क्या बोलते हैं फ्रांस के लोग भी यहाँ पे थे। तो मतलब काफ़ी अच्छा है, लोग यहाँ पे पसंद करते हैं ना, होटल भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छा है, इसलिए आप आइए स्टे कीजिए। और बताइएगा जो मैंने आपको बताया दिखाया है, अगर कुछ रह गया हो तो आप भी मुझे कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल पर बताइएगा। अगर आप बनारस में आ रहे हो तो इस होटल में ज़रूर रुकें, मस्ट रिकमेंडेड होटल है मेरे हिसाब से आपको आपके बजट में। थैंक यू सो मच। अभी जो भी चीज़ें यहाँ पे होने वाले मैं आपको आ रहे अपडेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अभी ऊपर जाके छत का नज़ारा। हमारा होटल है, हम आपको दिखाते हैं अभी यहाँ से जस्ट घाट का डिस्टेंस, बनारस की गलियों के दर्शन भी आपको कराते हैं।
तो आपको यहाँ की जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनके नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप, पतली पतली गलियाँ, रास्ते में आपको टेम्पो पड़ जाएगा। जाने क्यों कोई पवित्र भूमि चार करने आ, सामने घाट है, सामने आप जिस वहाँ से आओगे दिगंबर जैन तीर्थ की जन्मभूमि है ये, तो देखिए आप। आप देखो ना, ये पूरा मंदिर है जो ये पूरा घाट पे ही है, बट तो हमको घूम के जाना पड़ रहा है इधर पे। ना भैया देखिए आप गंगा जी का नज़ारा, तो उफान पे हैं गंगा जी यहाँ पे इस टाइम पे, और ये सारे बोट्स लगे हुए हैं, आप बोटिंग कर सकते हो यहाँ से। और ये जो मैं आपका लोकेशन बता रहा हूँ, इस शिवाला के पास में है एकदम, और घाट जो है ना पूरे यहाँ पे एकदम बंद है। गंगा जी बहुत ही ज़्यादा जोर से आई हुई है, सारे घाट तक पानी पहुँच चुका है। आप बोटिंग कर सकते हो यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जस्ट मैं यहाँ रुका हूँ, ये है आपका निषाद राज मंदिर है, और ये टोटल यहाँ का व्यू है। देखिए मछुआरे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं।